Hi guys, this is Abhijit again, the Desi Dog Father. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच इग्नोर्ड, कोई इतना ध्यान नहीं देता है, बट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, अगेन मैं फिर बार बार बोलता रहता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट द थिंग इज़ ऑल थिंग्स कम्बाइंड टू ट्रेन योर डॉग्स, है ना. बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कंबाइन करके एक फुली ट्रेन डॉग का आउटकम मिलता है. तो दैट इज़ वाई, वन ऑफ द रीजन्स कि मेरे पास थोड़ा जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, रेदर देन आपसे. आप कोशिश करते हैं लेकिन आपको स्टार्ट नहीं मिलता, कहाँ से स्टार्ट करें. तो बहुत सारी जगह है, जैसे लीश प्रेशर मैंने बोला, लेकिन उससे भी पहले द थिंग दैट कनेक्ट्स यू एंड योर डॉग, द कम्युनिकेशन, है ना, जो लाइव कम्युनिकेशन चलता रहता है बिटवीन यू एंड योर डॉग टू मेक देम अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप्स इज द लीश, है ना. द मोर कंफर्टेबल यू आर विद द लीश, द डॉग वुड बी दैट मच कंफर्टेबल विद यू. आप जितना लीश के साथ कंफर्टेबल होंगे तो आपका डॉग उतना ही आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा. द मोर टेंस्ड यू आर विद द लीश, है ना, तो आपका डॉग भी आपके साथ टेंस रहेगा, है ना. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, आपको सीखना रहता है. लीश के साथ आपका डॉग को कुछ सीखना नहीं रहता. ऑफकोर्स वी टीच हिम द लीश प्रेशर एंड एवरीथिंग, बट लीश को कैसे हैंडल करना है, हाउ कॉन्फिडेंटली यू हैंडल इट डिसाइड्स हाउ कॉन्फिडेंट द डॉग फील्स विद यू. तो या इवन माई क्लाइंट्स व्हेन दे कम इन, जब पहली बार आते हैं, तो जैसे दिस इज़ अ लॉन्ग लीश, अ लिटिल बिट मैंने बना लिया है आउट ऑफ ए 50 फुट लीश. मैं ऐसे छोटे छोटे बहुत 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, दिस इज़ अराउंड 8 फीट. तो हम इसी से दिखाएंगे. एज्यूम कि आप 6 फीट जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है वो लेते हैं. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं जो देखता हूँ क्लाइंट्स, मतलब जैसे लीश लगा दिया कॉलर पे, देन दे डू दिस, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा है तो दिस, है ना, फिर हम चलते हैं. बट दिस थिंग इज़न्ट गिविंग यू, ये आपको कुछ लेवरेज नहीं दे रहा है ना, ना ही इससे आपका कोई ग्रिप मजबूत. दिस इज़ जस्ट योर साइकोलॉजी कि हाँ मैंने अच्छे से उसे पकड़ लिया है. बट द थिंग, अगर वो पुल करेगा तो योर फिस्ट, जो आपका फिस्ट है वो प्रेस होता रहेगा एंड यू वोंट बी कंफर्टेबल, जो आपको पावर मिलना चाहिए आपके हाथ से, है ना, बिकॉज यू विल बी इन पेन समवेयर, वो फ्री नहीं रहेगा. तो वॉट आई टेल माई क्लाइंट्स, जो एवरेज क्लाइंट्स हैं, उन्हें कैसे पकड़ना है, जो हम बाइक में ग्रिप रखते हैं, दिस, है ना, दिस इज़ द ग्रिप, ऐसे नहीं, है ना, दिस व्हेन वी आर होल्डिंग इट लाइक दिस, हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो आगे की ओर खींचेगा और हमें उसे ऐसे खींचना है. तो आई प्रिफर दिस, जो लीश है जो उसके गले तक जाएगा, दैट शुड कम आउट फ्रॉम द बैक ऑफ योर हैंड. जस्ट इमेजिन कि आप बाइक या साइकिल किसी का भी हैंडल पकड़े हुए, है ना, लाइक दिस. एंड मैं ये सिखाते वक्त, अगर आप न्यूबी हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई प्रिफर दिस हैंड टू बी लाइट, है ना, इसमें सिर्फ डायरेक्ट ये होना चाहिए, ये क्लटर नहीं, है ना. ऑफ कोर्स आई प्रिफर दिस, मैं ये करता हूँ जब डॉग्स ट्रेंड हो जाते हैं, जब मुझे बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता तो आई डू दिस. बट व्हेन आई एम न्यू टू एनी डॉग, मुझे पता है उसे करेक्ट करना पड़ेगा, उसे डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो आई प्रिफर कीपिंग दिस हैंड एज लाइट एज पॉसिबल, है ना. तो मैं कैसे होल्ड करता हूँ, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये पीछे से आना चाहिए, आई होल्ड इट लाइक दिस, है ना. और अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा ग्रिप चाहिए तो आई लॉक इट लाइक दिस, थोड़ा नज़दीक लेके, तो आई होल्ड इट लाइक दिस, ये होना चाहिए, मैंने जैसे बोला, तो दिस दिस. और अगर मुझे थोड़ा ग्रिप चाहिए तो आई लॉक इट हियर, है ना. दिस विल नॉट कम आउट जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, है ना. दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, या आप उससे भी, आपको थोड़ा डर लगता है तो देन यू कैन डू दिस, पीछे से आ रहे, यू कैन डू दिस, सो दैट यू हैव कंप्लीट कंट्रोल. अगर वो आगे जा रहे हैं बैक, अगर वो पीछे जा रहे हैं फ्रंट, है ना, अगर वो अंदर की ओर आ रहे हैं आउट, अगर वो बाहर की ओर जा रहे हैं इन. और ये जो है यहाँ पे आप एक्स्ट्रा रखिए, आई प्रिफर कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट लीश ले 4 to 5 फिट, ताकि आपके एक हाथ में ही आ जाए और इधर में भी सिर्फ इतना सा बाकी हो,
जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए, बट डोंट डू दिस, है ना, ये साइकोलॉजी पे अफेक्ट करता है. व्हाट आई डू अगर जब मैं लॉन्ग लीश लेता हूँ तो आई टेक द एक्स्ट्रा इन दिस हैंड, क्योंकि जब मुझे अगर उसे थोड़ा लीश फ्रीडम देना होगा तो आई जस्ट रिलीज इट लाइक दिस एंड इट गोज, है ना, वो जहाँ तक जाए. फिर उसे होल्ड करना होगा, आई लॉक इट हियर एंड लेट्स गो. तो ये एंड अनदर थिंग इज, नॉर्मली हम जब पहले ही, मेरे इधर जब क्लाइंट्स आते हैं, नॉट वन ऑलमोस्ट ऑल, और मैं ब्लेम शेम नहीं कर रहा हूँ, है ना, दिस इज़ रियलिटी, क्योंकि आप हम जो है प्री प्रोग्राम्ड है, प्री वायर्ड है कि डॉग जो खींचेगा ही. तो वेन एवर वी टेक द लीश हम टेंस हो जाता है, एल्बो ऐसे स्ट्रेट, मतलब ऐसे बेंड हो जाता है, ये बेंड, फिर ये सब तो रहता ही है. इवन इफ़ द डॉग इज़ नॉट पुलिंग, हम क्या करते हैं, जब मेरे पास ये सीख जाता है तो क्लाइंट सेशन होता है तो वो जब चलते हैं तो दे ऑटो, पहले तो स्टार्ट ऐसे करते हैं, बट एज़ वी कीप ऑन वॉकिंग, हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा हो जाता है, बिकॉज वी आर प्री वायर्ड. तो ये चीज़ आपको सीखना है, वी शुड बी एज़ कम्फर्टेबल, है ना, हैंड्स डाउन, शोल्डर रिलैक्सड, और चलना है. द कॉन्फिडेंट यू आर, द कॉन्फिडेंट योर डॉग इज़ विद यू. तो या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट मी थिंक, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा. आई टॉक्ट अबाउट द ग्रिप, मैं कैसे होल्ड करता हूँ दिस एंड द एक्स्ट्रा थिंग हियर. या दैट्स इट, बेसिकली यही है, लर्न द स्किल. और अनदर थिंग इज, लीश शुड बी ऑलवेज लूज, है ना, ताकि हम उसे लीश प्रेशर समझा सकें. आप अगर पहले से टाइट करके रखेंगे, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन गोइंग ऑन. कम्युनिकेशन तभी हो रहा है जब लीश लूज है. When he gets ahead, pop. When he gets behind, pop. Pop, 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 pop. Least pressure, है ना, सेट करना है least pressure, down करना है least pressure. जब कुछ communicate करना होगा, कुछ active message देना होगा, then the pressure comes on. और जैसे वो comply कर गया, the leash is always loose. So that he knows, yeah, I am not doing anything wrong. Just for example, अभी मैं वो normally क्या है, ऐसे resting position पे आना आ जाता है तो स्टक हो जाता है, कभी उठना नहीं चाहता. तो मैं भी ऐसे खामखा डिस्टर्ब नहीं करता, बट जस्ट टू शो यू. और क्योंकि हमारे इधर ट्रेनिंग सेशन है तो सो भी जाता है, तो हमें उठाना पड़ता है, वी हैव टू कंप्लीट द सेशंस. सो या एनीवे, लेट मी शो यू व्हाट आई डू, है ना. मैंने लीश पकड़ लिया, मैं नाम लेके, द ओके इज़ द रिलीज वर्ड, मैंने उसे सिट कराया था, वो डाउन हो गया एंड ही इज़ रिलैक्सिंग, दैट इज़ ओके. मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव टू कम्पीट एनीवेयर, दिस इज़ फैमिली पेट डॉग ट्रेनिंग. अगर मैंने उसे सेट यहाँ पे बोला है तो ही कैन लाई डाउन, बट द थिंग इज ही शुडंट लीव द स्पॉट, है ना. तो अभी देखिए, मैं उसका नाम लूँगा, ओके बोलूँगा एंड आई एल मूव. इवन इफ ही डजेंट मूव, आई एल मेंटेन द लीश प्रेशर, है ना. टाइगर, ओके, ये आ गया. अगर नहीं आता तो आई वुड हैव फिर सेट स्लाइट लीश प्रेशर. गॉड, गुड बॉय, गुड बॉय, ओके, है ना, एंड लूज, सिट, गुड, गुड बॉय. तो या गाइस, दिस इज इट, लर्न द लीश हैंडलिंग स्किल्स. ऐसा है तो डॉग के साथ नहीं, कहीं पे बांध लीजिए लीश को, फिर जो लीश स्नैप्स होते हैं, देट इज़ ऑल्सो अ थिंग यू हैव टू लर्न. क्योंकि बहुत जब नए यहाँ के स्नैप्स देते हैं तो वो ज़्यादातर पुल होता है ना, पुल लगता है, तो इट शुड बी क्विक, मतलब. और उसको, बिकॉज द प्रॉन्ग कॉलर और एनी, मतलब जो स्लिप लीड है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग. वो क्लोज होता है, ओपन होता है. अगर वो आप पुल करके रखेंगे तो क्लोज रहेगा, तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट हैपनिंग. टू फॉर द कम्युनिकेशन टू बी हैपनिंग, देर शुड बी पॉप स्नैप्स, है ना, क्विक स्नैप्स, सो दैट द डॉग अंडरस्टैंड्स. एंड ऑफकोर्स उसके बाद तो टाइमिंग, कंसिस्टेंसी, दोज आर अदर एस्पेक्ट्स. बट द फर्स्ट थिंग इज लीश, लर्न हाउ टू हैंडल द लीश, बी कम्फर्टेबल विद द लीश, एंड यू विल सी द डिफरेंस, है ना. एंड अगेन, ऑफ टॉपिक बट नॉट सो ऑफ टॉपिक, लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ, ट्रीट से करता है तो करते हैं, इससे करता है तो, जब लीश दे के करते हैं तो करते हैं, लीश हटा देते हैं तो नहीं करते. दैट मीन्स इट्स नॉट टाइम टू रिमूव द लीश. लीश डॉग के साथ रहेगा तब तक जब तक डॉग बिना लीश के नहीं करता, है ना. मे बी 80-90 डेज, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, डजेंट मैटर. बट जब डॉग समझ जाएगा, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको प्रेशर नहीं लग रहा है उसे बिठाने के लिए,
देट इज़ द टाइम वेन द लीश कम्स ऑफ, है ना। तो एनी वे गाइज, लेट्स नॉट मेक द वीडियो टू लॉन्ग, अभी हम दूसरे के साथ भी सेशन करेंगे। तो एनी वे या टेक केयर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो एनी इश्यूज़ यू हैव विद योर डॉग। सो या टिल देन टेक केयर, ओके।